सो गाइस फाइनली हमने पेटीएम का डेबिट कार्ड मंगा लिया, एटीएम कार्ड, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे हाथ में है पेटीएम का डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड। इसे हमने ऑनलाइन अप्लाई किया और बाय पोस्ट हमारे एड्रेस पर उन्होंने लाके हमें पेटीएम का एटीएम कार्ड दे दिया, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करके आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने एटीएम कार्ड का पिन कैसे बनाएंगे। और मैं आपको मैनुअल भी रीड करके दिखाऊंगा और वहाँ पे आपको मैनुअल दिखाऊंगा कि क्या क्या उसमें आपको दिया जाता है, और आप उसे रीड करके डेबिट कार्ड के बारे में जान सकते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है और आप पर डे कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यानी कि विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ कंप्लीट बताऊंगा और मैं आपको पेटीएम के डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा, रिव्यू मैं आपको दिखाने वाला हूं। सो बने रहिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस मैं आपको अब इसे ओपन करके दिखाता हूं। कुछ इस तरह का लुक रहेगा फ्रंट में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक योर पर्सनल डेबिट कार्ड इज हेयर। तो अब इसे मैं ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें एक स्लिप मिलेगा जिसमें कार्ड से रिलेटेड सारी डिटेल रहेगी। आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर डेली कार्ड लिमिट यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आप पर डे कितना यहाँ से इससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कितना विड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सेकंड में मिलेगा स्टेप टू इनेबल कार्ड पेमेंट एंड सेट डेली लिमिट्स, इसे आप रीड कर सकते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ओपन पेटीएम ऐप एंड टैप ऑन बैंक आइकन। तो यहाँ पे अपने बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे अपना कार्ड एक्टिव कर सकते हो। सेकंड स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप क्या है हमारे यहाँ पे, स्टेप थर्ड जो है वो स्टेप टू ब्लॉक और अनब्लॉक योर कार्ड। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपका कार्ड, अगर आपसे लॉस हो जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है ट्रांजेक्शन का, तो आप उसे ब्लॉक और अनब्लॉक यहाँ से कर सकते हो आसानी से। और यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, तो आप अपने पेटीएम एप्लीकेशन में जाके इसे आसानी से अनब्लॉक या फिर ब्लॉक करवा सकते हैं अपने कार्ड को। हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट में आपको नीचे मिल जाएगा एक कार्ड दैट इज़ सिंसियरली 100% सिक्योर, और यहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हो। योर कार्ड हैज़ एन एम्बेडेड EVM चिप इन एडिशन टू 4 डिजिट आपका जो पिन रहेगा वो, यानी कि आपका कार्ड सिक्योर रहेगा, आपका 4 डिजिट पिन भी बनेगा जैसे हमारा ATM का पिन रहता है। और यहाँ पे आपको पिन सेट करने के लिए यहाँ पे इसमें आपको मेनू में मिल जाएगा, तो हम बैक में करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज मोस्ट सिंसियर बैंक वेलकम यू टू द फैमिली। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारा कार्ड हमें नज़र आ जाएगा और इसका लुक भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरा नाम भी आपको नज़र आएगा आफ्ताब हुसैन करके। तो यहाँ पे हमने इसे अप्लाई किया और मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। लुक है इसका और गाइज आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पिन जनरेट करने की बात है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्टिव योर कार्ड विदाउट विजिटिंग एनी ATM। तो बिना ATM जाए आप अपने ATM का पिन बना सकते हो। आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओपन पेटीएम ऐप स्कैन QR को। तो यहाँ पे गाइज आप अपने पेटीएम के डेबिट कार्ड में अपना पिन सेट करने के लिए आसानी से इन स्टेप को फॉलो करके आप कर सकते हो। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डेबिट कार्ड का पिन जो है वो जनरेट करके दिखाऊं, उस पर वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे इसे जनरेट करेंगे। तो गाइज बस अनबॉक्सिंग की वीडियो में बस इतना ही था और यहाँ पे मैंने पेटीएम का लुक भी आपको दिखाया और आपको मैनुअल में क्या क्या मिलेगा वो भी मैंने आपको रीड करके दिखाया। तो आप प्रॉपर तरीके से इसे रीड कर लीजिएगा और यहाँ पे पिन कैसे सेट करना है उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप अपने ATM में पिन भी सेट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को।